नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। वाराणसी में हफ्ते से लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन व जिलाधिकारी ने नाव चालकों पर रोक लगा दी है। वहीं परेशानियां बढ़ गई हैं। बताते चलें, वाराणसी में गंगा का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिलाधिकारी ने नाव चालकों को नाव बंद करने का आदेश दे दिया है। घाट पर ब्राह्मणों के लिए भी परेशानियां शुरू हो गई हैं। जहां पहले लॉकडाउन में परेशानी होती थी, अब कई उससे ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वाराणसी का दृश्य है जहां गंगा उफान पर है। तस्वीरों में आप देखें कि किस तरह से गंगा नदी के किनारे वाराणसी के घाटों पर नावें खड़ी हैं, जहां नाव न चलने के कारण नाविकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें रोज़मर्रा और रोजी रोटी के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं घाटों पर मौजूद ब्राह्मणों के लिए भी ये कठिन दौर है, क्योंकि श्रद्धालु और सैलानी वाराणसी के घाट पर आते हैं, माँ गंगा की आरती होती है, साथ ही साथ कई घाटों पर वह सैर करते हैं, नावों से घूमते हैं। लेकिन अब माँ गंगा के उफान के बाद अब स्थिति काफी गंभीर हो रही है, जिसके कारण जिला प्रशासन ने नाव के संचालन पर रोक लगा दिया है। आप देखें वाराणसी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे की यह रिपोर्ट। गुरुजी, अपना परिचय बताएं। मैं गंगोत्री सेवा समिति के अध्यक्ष पंडित किशोर मंदिर बाबू महाराज जी का शासन। गुरुजी, जिस हिसाब से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, कितनी परेशानियां आप लोग को होने जा रही है? देखिए, गंगा जी का जलस्तर 24 घंटा में कहीं पर 2-2.5 फुट बढ़ रहा है। अगर इसी तरह निरंतर बढ़ता जाएगा तो 2-3 दिन में माँ शीतला के मंदिर में गंगा जी चले जाएंगे। और यहाँ जो भी दुकानदार हैं, नाविक हैं, इन लोग की आगे भुखमरी के संकट आ गई, नावें बंद हो गई हैं और गंगा जी के बाढ़ की वजह से नावें बंद हो गई हैं। जितने भी 80 वर्णा से लेकर नाविक हैं, सब इस समय एक तो लॉकडाउन में भूखे मर रहे हैं। इस समय नाव बंद हो जाने से, चालू होने से थोड़ा रोजी रोटी मिलती थी, वो भी कल से नाव बंद हो गई। अब उनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। इस वक्त प्रशासन शासन इस पर ध्यान दे, गरीबों के लिए कुछ न कुछ करे। और जो यहाँ दुकानदार हैं घाट किनारे, जो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई है, वो भी भुखमरी के कागर पर आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, इस समय जो महामारी अब के बाद ये गंगा जल स्तर बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं देखिए सरकार से यही कहेंगे, भाई जो गरीब तत्व हैं, जिनकी रोजी रोटी छीन गई है, उसके लिए आर्थिक कम से कम मदद करें, यही हम कहेंगे।